इंजीनियर विजय, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक बटन में एक बार दबा दीजिए। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? व्हेन सीमेंट एंड वाटर कम ऑन द टॉप एंड एग्रीगेट इज सेटल डाउन इज कॉल्ड ब्लीडिंग। जब कोई भी कंक्रीट से सीमेंट और वाटर टॉप में आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और एग्रीगेट क्या होता है, नीचे सेटल रहता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। नीचे इस फोटो में देख लीजिए, ऊपर में देखिए पानी और सीमेंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी के वजह से होता है एंड इम्प्रॉपर प्लेसिंग के वजह से ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? इट मीन्स सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का जो सेपरेट हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, सेग्रीगेशन। जैसे गिट्टी अलग हो जाना, सीमेंट और वो अलग हो जाना, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। कॉन्क्रीट का अलग अलग मटेरियल अलग अलग हो जाना के सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन पिक्चर में देखिए, कॉलम भीम वगैरह में क्या हो जाता है, गिट्टी अलग हो जाता है, पूरा गिट्टी गिट्टी दिखता है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हनीकॉम। हनीकॉम क्या होता है? आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क फ्रॉम कॉलम बीम देयर इज ए होल इज कॉल्ड हनीकॉम। फॉर्म वर्क रिमूव करने के बाद कॉलम और बीम में एक होल जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं हनीकॉम। ये क्यों होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं करने से ये हनीकॉम दिखता है।